दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं विजुअलिटी की बात करें, आप देख सकते हैं ये ठीक हमारे सामने इंडिया गेट है। करीब 150 मीटर पर ही ये इंडिया गेट है, लेकिन कैमरे की नजर में इंडिया गेट की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। सड़क पर जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं कई ट्रेन घंटों लेट लतीफी का शिकार है, वहीं उड़ानें भी प्रभावित हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं विजुअलिटी की बात करें, आप देख सकते हैं ये ठीक हमारे सामने इंडिया गेट है। करीब 150 मीटर पर ही ये इंडिया गेट है, लेकिन कैमरे की नजर में इंडिया गेट की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। सड़क पर जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं कई ट्रेन घंटों लेट लतीफी का शिकार है, वहीं उड़ानें भी प्रभावित हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं विजुअलिटी की बात करें, आप देख सकते हैं ये ठीक हमारे सामने इंडिया गेट है। करीब 150 मीटर पर ही ये इंडिया गेट है, लेकिन कैमरे की नजर में इंडिया गेट की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यातायात सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित है। सड़क पर जहां वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं कई ट्रेन घंटों लेट लतीफी का शिकार है, वहीं उड़ानें भी प्रभावित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।